चलिए आइए। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। इस वक्त हम सीएम हाउस के पास है और जिस तरीके से जेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने सीएम आवास के पास आकर धरने पर बैठ गई, अपनी मांगों को लेकर 12वीं में एडमिशन को लेकर धरने पर बैठ गई, तमाम तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम हाउस के पास करीब आधे घंटे तक ये लोग बैठे रही अपनी मांगों को लेकर, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि 12वीं के एडमिशन को लेकर आक्रोशित छात्राएं पहुंच गई सीएम हाउस के पास, इन्हें समझाया गया, बुझाया गया और जिस तरीके से प्रतिबंधित एरिया में अभ्यर्थी यहां पे घुसे थे और नारेबाजी कर रहे थे, तमाम तरह की यहां प्रोटोकॉल होती है, लेकिन उस बीच अभ्यर्थी यहां पहुंच गए थे। जेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं यहां पहुँच कर 12वीं में एडमिशन को लेकर प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश के आवास के पास पहुंचे और समक्ष जो बातें थी उन्होंने बताया और जमकर यहां पर लोगों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार उसके पास उस समय हाउस के पास पहुंच जाते हैं अभ्यर्थी जब 12वीं का एडमिशन का मामला सुलझने का नाम नहीं लेता है और अभ्यर्थी सीएम हाउस के पास पहुंच जाते हैं। ये मांगे कि हम लोग क्लास 11 के अभी हमने एग्जाम दिए हैं, अब सरकार हम लोग को बोल दिया कि 11 दे दी, अब आप लोग स्कूल में जाइए, कॉलेज छोड़िए। तो हम लोग यही मांगे, एक साल हम लोग वेस्ट हो जाएगा, 11 हम लोग दे दिए, कम से कम हम लोग को 12 देने देता, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर चीज़ लिया आता कि आप लोग स्कूल में गई, 11 प्लस कॉलेज में बंद हो रहा है। ये हम लोग यही मांगे, हम लोग एक साल वेस्ट जा रहा है, नेक्स्ट ईयर से ये रूल लाइए कि कॉलेज में 11th 12th नहीं होगा, ये ईयर रहने दीजिए हम लोग का। अभी कुछ बात नहीं, कुछ एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, बोल तो रहा है अभी तक हुआ नहीं कुछ, है मांग लगा कर रहे हम लोग। चलिए आइए। चलिए आइए। चलिए आइए।